नमस्कार नमस्ते बिहार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होनी है। सुबह 11:30 बजे से बैठक होगी। नौकरी और रोजगार सृजन को लेकर के बड़ा फैसला इस बैठक में हो सकता है। तो कैबिनेट बड़ा फैसला ले सकती है। तो आज नौकरी रोजगार सृजन को लेकर के बड़ा फैसला इस नीतीश कैबिनेट की बैठक में संभव नजर आ रहा है। तो पटना से खबर, जहां आज नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे का वक्त होगा जब बैठक की शुरुआत होगी, और खास करके महत्वपूर्ण कई एजेंडे जिस पर मुहर लगने की संभावना, और सबसे खास कि नौकरी और रोजगार सृजन को लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि लगातार नौकरी और रोजगार को लेकर के बिहार सरकार पहल करते हुए नजर आ रही है, अपना वादा पूरा करने की बात दोहरा रही है। और ऐसे में इस नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला नौकरी और रोजगार सृजन को लेकर के हो सकता है। तो जब जब नीतीश कैबिनेट की बैठक होती है, उम्मीदें भी रहती है बिहार के लोगों की कि उनके लिए बैठक में कुछ बड़ा निकल करके आएगा, उनके लिए फैसले लिए जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 6 दिन की छुट्टी बढ़ा दी गई है, और छुट्टियों में कटौती पर के पाठक के आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। अब स्कूलों में 6 दिन और अवकाश मिलेंगे। कमेटी की रिपोर्ट पर शिक्षा विभाग की ACS ने नई छुट्टियां लागू कर दी हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। अब शिक्षा विभाग के फैसले के बाद शिक्षकों और छात्रों को राहत मिली है। खूब पढ़ाइए और त्योहार भी मनाइए। जी हाँ, इसी मकसद के साथ बिहार के शिक्षकों की 1 साल पुरानी मांग पूरी कर दी है शिक्षा विभाग ने। शिक्षा विभाग के ACSS सिद्धार्थ ने छात्र और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए गुरुजी को मिलने वाली छुट्टियों की संख्या बढ़ा दी, और राखी के त्योहार से पहले शिक्षिका बहनों को बड़ा तोहफा दे दिया। इसके पहले पिछले साल अगस्त 2023 में बिहार शिक्षा विभाग के ACSK के पाठक के निर्देश पर कई तरह की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था। इससे साल में तकरीबन 14 छुट्टियां कम हो गई थी। इस फैसले का शिक्षकों ने जोरदार विरोध किया, और नए ACS से इसे ठीक करने की लगातार मांग की जाती रही। अब इस नए नियम के बाद कौन कौन सी छुट्टियां गुरुजी को मिलने जा रही हैं, वो भी जान लीजिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में 6 दिन की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। छुट्टियों में कटौती पर पहले के आदेश को वापस ले लिया गया है, और इसीलिए अब रक्षाबंधन पर 1 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। हरितालिका व्रत यानी कि तीज का त्योहार करने वाली महिला शिक्षिकाओं को भी ध्यान में रखा गया है, और इसीलिए 2 दिन की छुट्टी दी गई है। अनंत चतुर्दशी पर 1 दिन की छुट्टी होगी। वहीं जीवित पुत्र का व्रत, जिसे ज्योतिया के नाम से जाना जाता है, उस दिन भी 1 दिन की छुट्टी शिक्षिकाओं को मिल चुकी है। गुरु नानक जयंती या कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन भी 1 दिन की छुट्टी दी गई है। तो शिक्षकों के लिए अब अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, और एक एक कर उनकी तमाम मांगों पर शिक्षा विभाग उनके हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला ले रहा है। अब तक जिन छुट्टियों को तत्कालीन ACSK के पाठक ने कैंची चलाते हुए कम कर दिया था, अब नए आदेश के साथ नए ACSS सिद्धार्थ ने इसे बहाल किया है। अब से पहले शिक्षकों को रक्षाबंधन, तीज, ज्योतिया, दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, भैया दूज, गुरु नानक जयंती, चित्रगुप्त पूजा जैसी त्योहारी छुट्टियां नहीं मिल रही थी, और बार बार इसे लेकर शिक्षक अपनी आवाज उठा रहे थे। तो लीजिए, अब मन लगाकर आप बच्चों को पढ़ाइए और त्योहार भी मनाइए। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश की रिपोर्ट। सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में छुट्टी में की गई बढ़ोतरी का शिक्षक नेताओं ने स्वागत किया है। शिक्षक नेताओं ने सरकार को इसके लिए बधाई दी है। ये सिद्धार्थ जो है बहुत संजीदा व्यक्ति हैं। उन्होंने आते ही जो शिक्षकों का छुट्टी कटा था उसको संज्ञान में लिया, कमेटी बना के उस पर त्वरित कार्रवाई की, और आज जो बहुत सारी छुट्टियां कट गई थी वो हमें फिर से रिस्टोर हो रही है, वो हमें मिल रही है। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई।
और धन्यवाद। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा आज सरकारी विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को 6 छुट्टी वापस की गई है और इस 6 छुट्टी को देने से खास करके हिंदू धर्म को मानने वाले शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और खास करके महिला शिक्षिका जो तीज करती हैं, जितिया करती हैं, उन लोगों ने भी राहत की सांस ली है। हमारी जैसे ही छुट्टियां वापस हुई हैं, मैं इतनी खुश हूँ, मैं क्या पूरे बिहार की महिला शिक्षिका इतनी खुश है कि उसको शब्दों में आज व्यक्त नहीं किया जा सकता। रक्षाबंधन जैसा हमारा पावन त्यौहार जो भाई बहन का होता है, उस पर हमारी छुट्टी वापस हो गई है। तीज हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, जितिया सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ए सिद्धार्थ सर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे कई और त्योहारों में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ सकती है। शिक्षकों की मांगों पर सरकार विचार करेगी। शिक्षा विभाग जल्द ही बाकी छुट्टियों को लेकर फैसला लेगा। शिक्षा विभाग जल्द इस पर बैठक करेगा। शिक्षकों ने हिंदुओं के त्योहारों में और छुट्टी देने की मांग की है। तो बिहार के सरकारी स्कूलों में 6 दिन की छुट्टी बढ़ा दी गई है। शिक्षक नेता जहां शिक्षा विभाग की पहल की तारीफ कर रहे हैं, वहीं न्यूज 18 की मुहिम को भी धन्यवाद दे रहे हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ में भी छुट्टी में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना की खबर के बाद शिक्षक नेता ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि पुरानी सभी छुट्टियां लागू की जाए। ने आज कुछ छुट्टियों में संशोधन किया है। विद्यालय के अंदर में जो छुट्टियां थी पहले से, उसको पूर्ववत लागू किया जाए, या हम लोग बिहार के तमाम लाखों लाख शिक्षक और करोड़ों छात्र सरकार से मांग करते हैं। अभी मुझे न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से सूचना मिली है कि दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, अन्य सभी प्रकार की जो छुट्टियां काट दी गई हैं, उसको पुनः सरकार बहाल करने जा रही है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार को, लेकिन आप अभी तो चैनल के माध्यम से हम लोग को सूचना मिला है। न्यूज 18 जो खबर चलाती है वो हमेशा सच भी होता है। तो बिहार के तमाम शिक्षक बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि पूर्ववत छुट्टी लागू किया जाए। सूत्रों के अनुसार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किए जाने की संभावना है। वक्फ अधिनियम में संशोधन को लेकर चल रही सुगबुगाहट पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में 40 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा की। इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले हफ्ते राज्यसभा में पहले पेश किए जाने की संभावना है। अब तो बिल आ जाने के बाद ही क्लियर होगा, मालूम होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ की जमीन ऐसी है जो आप जानते हैं, वक्फ की जमीन लगभग गलत नहीं है। वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर चल रही सुगबुगाहट के बीच बिहार में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वक्फ बोर्ड पर काम करने के लिए नीतीश कुमार तो बहुत दिया है, तो चुप क्यों है? चंद्रबाबू नायडू जी चुप क्यों है? जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने वक्फ एक्ट में संशोधन का विरोध किया है। बलियावी कहते हैं कि यदि संशोधन करना है तो इसके बराबर धार्मिक पीठ भी है, उसमें भी संशोधन लगाएं। मैं यहाँ एक बात और पूछूं, क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगनबाड़ी है, मठ और आंगनबाड़ी में भी ये संशोधन लाएंगे? जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान का कहना है कि जब संशोधन सामने आएगा तब इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उम्मीद भी जताई है कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं होगा जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ होगा। देखिए, वक्फ बोर्ड की कोई भी वक्फ बोर्ड हो, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, शिया वक्फ बोर्ड, हम दूसरे की जमीन को कब्जा करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम अपनी जमीन की सुरक्षा करने के लिए बैठे हैं। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती की खबर से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को देखें तो भारत में वक्फ की संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक 8.71 लाख से ज्यादा की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। इन जमीनों पर ज्यादातर मस्जिद, मदरसे और कब्रगाह बने हुए हैं।
दावा है कि वक्फ बोर्ड को ये जमीन दान में मिली है, लेकिन दावा ये भी है कि जिस भी जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा और अनियमितता का भी आरोप लगता रहा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे बड़ी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति से मिलने वाले पैसों का समाज के हित में इस्तेमाल होना चाहिए। राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल देश को तोड़ने के लिए हो रहा था। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति समाज की संपत्ति है, उसका जिस तरह से दुरुपयोग होता था एक समुदाय विशेष के कुछ कुलीनों के द्वारा, उसे दूर करना चाहिए। और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी कदम उठाए जा रहे हैं। एक तो महिलाओं की भागीदारी दी जा रही है, और ओवैसी जैसे लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, वास्तव में वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग इस देश में सांप्रदायिकता को फैलाने और समाज को तोड़ने के लिए किया जाता था, अब उसका उपयोग समाज के हित में समाज के द्वारा किया। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शराब माफिया पर हमले का आरोप लग रहा है। दो चौकीदारों पर चाकू से हमला हुआ है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां पुलिस टीम पर फिर से हमला हुआ है। दो चौकीदारों पर चाकू से हमला शराब माफियाओं ने किया है। गंभीर हालत में दोनों का इलाज जारी है। माझा के कोइनी बच्चा बाबू के मेला में इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दो चौकीदारों पर चाकू से हमला शराब माफियाओं ने कर दिया। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव की ओर से बार बार आरक्षण और नवी अनुसूची की बात करने पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। उसको डोमिनेट क्यों नहीं डाल रहे? बिहार विधानसभा का चुनाव भले ही अगले साल हो, राजनीतिक दलों के नेता अभी से चुनावी मोड में आ चुके हैं। 15 अगस्त से अपनी राजनीतिक यात्रा पर निकल रहे आरजेडी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को गरमाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी बार बार बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा उठाते रहे हैं। जो आरक्षण को हम लोगों ने बढ़ाया, उसको डोमिनेट में क्यों नहीं डाल रहे? क्या कारण? और बिहार में आपने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, उसका क्या हुआ? तेजस्वी यादव की ओर से बार बार एक ही सवाल करने पर बिहार में सियासी माहौल बेहद गर्मा गया है। बीजेपी ने तेजस्वी पर आरक्षण और नवी अनुसूची को राजनीतिक हथियार की तरह से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जो लोग स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेसरोलॉजी, तो वही थेसरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके, भावनात्मक बात करके, समाज को बांट करके आज राजनीति करने की ताक में। तेजस्वी को जवाब देते हुए जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार ने पहले ही आरक्षण के दायरे को नवी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार मजबूती से अपील कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव दूसरे के लिए काम का क्रेडिट लेने की कोशिश में लगे। क्योंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई, और अब लग रहा है कि जनता में इस बात की का काफी प्रभाव है, तो अब घुस के इसका श्रेय लेना भी चाह रहे हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, अगले साल ही होने वाला है। ऐसे में आरक्षण जैसे आजमाए हुए मुद्दे पर सियासी माहौल गर्माना लाजमी है। सत्ता पक्ष के नेता जहां तेजस्वी पर क्रेडिट पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी माहौल के और भी ज्यादा गरमाने की उम्मीद है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांग्लादेश में आरक्षण की चिंगारी में पूरा देश चल रहा है। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ देश छोड़ दिया।
शेख हसीना गाजियाबाद पहुंची, जहां एनएसए अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात की। इस बीच ढाका से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। उन्होंने हसीना के देश छोड़े जाने पर जश्न मनाया और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी तोड़ दी। दूसरी ओर पड़ोसी देश में चल रहे हलचल पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति की बैठक की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, वित्त मंत्री सीतारमन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और तख्ता पलट के बाद से जो तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीर बता रही है किस तरीके से ये भयावहता वहां पर नजर आ रही है। शेख हसीना के देश छोड़े जाने के बाद से वहां जश्न मनाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे मूर्तियां जो है वो तोड़ी गई है। इसके साथ साथ पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक भी हुई, यानी कि पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उस पर लगातार केंद्र सरकार की भी नजर टिकी हुई है। पटना में आरजेडी की अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक हुई। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सहनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित तमाम जिलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। आरजेडी ने आरोप लगाया कि देश में पिछड़े और गरीबों की हकमारी हो रही है। कमजोर वर्ग और उनके मिले हुए थोड़े बहुत अधिकार भी थे, उस पर भी हमला किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जो अपने कमजोर साथियों को लेकर के इस देश में जो उनके हक को मारा गया है उनको हक दिलाने का प्रयास कर रहा है और हम लोग इसके लिए सफल होंगे। सीतामढ़ी के सुरसंज के कोरियाही गांव में राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने परिजनों से मिलकर सांत्वना भी दिया। दोनों ने दिवंगत प्रभात झा के भाई प्रदीप झा और प्रफुल्ल झा से मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद अशोक अर्गल भी मौजूद रहे। अशोक अर्गल ने दिवंगत प्रभात झा के योगदान की चर्चा की। मौके पर डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की एक लाइन के बयान को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष नए सिरे से हेमंत सरकार को घेरने में जुट गया है, तो सत्ताधारी जेएमएम झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर अब सीधे सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे रहा है। इस साल में घुसपैठ पर बड़ा बवाल, किसकी बढ़ेगी मुश्किल, किसका होगा बेड़ा पार, झारखंड में घुसपैठ जिम्मेदार कौन? ...2024 झारखंड में विधानसभा चुनाव का साल है और चुनावी साल में राजनीति भी कई सीमाओं को तोड़ती है। लेकिन फिलहाल झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इस बार सिर चढ़कर बोल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन के ताजा बयान ने सत्ताधारी दलों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर चांपाई सोरेन ने कहा कि अगर बात आई है तो उसे देखना चाहिए, जिस पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की। सूचना भी तो चाहिए, यदि कहीं से बात उठ रहा है तो सही या गलत, और थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद हम भी उस विषय पर बोलने शुरू कर देंगे। मंत्री चंपाई सोरेन जी ने जो अपना व्यथा व्यक्त किया है उसको ध्यान में रख करके भी कम से कम हेमंत सोरेन जी को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ा भी गंभीरता दिखाना चाहिए। चंपाई सोरेन जी ने ठीक ही कहा है कि भाई इतनी बातें जब हो रही है, उच्च न्यायालय ने जब कहा है तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई बात होगा, और सरकार को इसे वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चश्मे से ना देखते हुए आदिवासी अस्मिता के विषय को मानते हुए देखना चाहिए। दरअसल चंपाई सोरेन के इस बयान को अमर बावरी ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसे लेकर जेएमएम ने बीजेपी के चरित्र पर सवाल उठा दिए। पलटवार में विनोद पांडे ने कहा कि अगर झारखंड में घुसपैठ है तो केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करे। झारखंड में झारखंड की जनता बहुत ही समझदार है, बहुत संवेदनशील है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। इनके कुप माने जो दुष्प्रचार है
उसका कोई असर यहां नहीं होने वाला है। और अगर घुसपैठ है तो केंद्र सरकार जवाबदेही ले और गृह मंत्री को अविलंब बर्खास्त करे। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा संथाल परगना को लेकर उठ रहा है। पहले भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच अलर्ट जारी कर चुका है। इसी बीच 3 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो कार्य योजना तैयार कर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर ब्रेक लगाए, जिसके बाद से झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ ही बना हुआ है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।